चलिए अब हम वापसी की तरफ चलते हैं। इंसर से वापसी अपने गंतव्य गुगली जलाने की तरफ, कुमाऊं मंडल की ओर, क्योंकि हमें वापसी में काफ़ी देर हो गई, इसलिए चलते चलते भी हम करीब 1 बजे पहुंचे अपने घर में। और ये टाइम भी कम से कम 11 बजे का है, रात का, खूब अंधेरा है, चारों तरफ कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, लाइट है तभी विजिबिलिटी है, अदरवाइज़ अगर आप, मैं लाइट बंद करके आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि मुझे भी खुद नहीं दिखेगा। और चारों तरफ लेपर्ड का एरिया है, उसके साथ साथ यहाँ पर भीषण भी दिखाई देता है जो कि यहाँ की मान्यता है। उसके साथ आगे की जो और वार्तालाप जड़ जड़ क्या है मैं आपको दिखाता रहूँगा, आप सोच रही हो देख भाई, सकते। वो डर रही ना लाइट से, हैं बोलता रहूँ, बोलो कुछ तो बोलो। चलो देखो जी, आप सब देख रहे हो, हम इस समय रात के 11 बज रखे हैं, ठीक है। घना आप देख सकते हो, आसपास के गांव वाले कह रहे हैं लेपर्ड भी आता है, पर हमें जहाँ डेस्टिनेशन में जाना है हम वहाँ जा रहे हैं। अब हम लेपर्ड से तो डर नहीं है, लेकिन आप देख सकते हो एक गाय भाग रही है यहाँ, वो शायद हमें देख के भाग रही है, या सोच रही है कोई पीछे जानवर आ रहा है। तो कभी आप ऐसे जाओ इस ऐसे रिस्की टूर पर, तो आपके साथ सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप बाइक पे जा रहे हो तो आपकी बाइक होनी चाहिए पावरफुल, अराउंड कम से कम 250 cc से ऊपर होनी चाहिए। मेरी भी 250 पे है, इसलिए 100 cc 125 पे तो आप ले जाना मत। और ये गढ़वाल का, ओ नो, ओ तेरी, आप देख सकते हो, ओ शिट, हम भी स्किड हुए यहाँ पर, इसलिए आपसे कह रहा हूँ, ठीक है। ये देखो 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 देखो, ओ माय गॉड, चलो चलो चलो, आप देखो हम कितनी बुरी तरह स्किड हुए हैं। ये रास्ता प्लेन नहीं है, ये रास्ता पूरा ऑफ राइड, ऑफ रोड का है बिल्कुल। सड़कें पूरी टूटी हुई हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं इसमें, इन पत्थरों से निकलना बहुत मुश्किल है। आप देखो तो, अरे आप ऐसा रिस्क कभी मत लेना, ठीक है। मैं आपको दिखा जरूर हूँ अपने ब्लॉग में, पर आप ऐसा रिस्क कभी मत लेना, रात को आपकी माँ डर जाएगी, बताना मत उनको, ठीक है। मेरी मदर को तो पता है मैं रिस्क लेता हूँ, उनको पता है मैं आ रखा है यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि यहाँ गढ़वाल में, गढ़वाल और कुमाऊँ के बीच में एक जगह पड़ती है ये, ठीक है, भीमसर महादेव। एक भीमसर महादेव, सोनी सोनी भीमसर है, वो तो बहुत लवली प्लेस पे है, वहाँ पर कोई टफ टेरेंस नहीं है, ठीक है, हाँ वहाँ पर कोई ऐसा इशू भी नहीं है ऐसे ऑफ राइड का, ठीक है। लेकिन इस रोड पे, क्योंकि आज तक मैंने भी कोई रोड, इससे भी पहले मैं गया हूँ लद्दाख, 2 बार जा चुका हूँ, लेकिन मैंने ऐसी कोई टफ रोड नहीं देखी। हो सकता है एक तो मैं इवनिंग में आया यहाँ पर और इस समय रात को जा रहा हूँ, इसलिए भी बहुत टफ रोड पड़ रही है। और आसपास कोई गांव नहीं है, कहीं आप सोच रहे हैं गांव में आप टिक जाओगे, बहुत मुश्किल है गांव में रुकने के लिए। आसपास आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, आप देख सकते हो सीधा एक आगे गाय भाग रही है, वो कब रुकेगी हमें नहीं पता, ठीक है। पर भी हम सोच रहे हैं वो हट जाए, वो हमसे डर रही है, अरे हट जा भाई, हट जा, और मार, हट जा गाय माता, हट जा, अरे हम डर, हमें डर लग रहा है कहीं वो गिर ना जाए कहीं खाई में, इसलिए हम किनारे किनारे से चल रहे हैं, बच बच के चल रहे हैं। अब ये क्या आ गया, अबे ये रोड कहाँ थी, नीचे है ना, नीचे को, नीचे को। हाँ देखा देखो भैया तुम, रात को 11 बजे, ठीक है, पहाड़ों के बीच में। अब पहाड़ों में आपको पता है भीषण आते हैं, भीषण, हाँ एक बार हमारे व्यूवर्स को बता दो भीषण होते क्या है। अरे भीषण पहाड़ में बोलते हैं भूत को, ठीक है। आपने तो भूत नहीं, आपने गोश्त सुना होगा, लेकिन आपने सुना होगा सिर्फ। अगर आपको आना है तो यहाँ पर आ जाना 11-12 बजे रात को, ठीक है, एक्सपीरियंस कर सकते हो आप। हमने तो एक्सपीरियंस किया एक दो बार, खैर ठीक है, लेकिन कभी कभी कहते हैं कुछ भीषण अच्छे भी होते हैं, कुछ ख़राब भी होते हैं, इसलिए एक्सपीरियंस का आपका पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी पड़ सकता है फाइट। अच्छा होगा तो ठीक है, बुरा होगा तो जहाँ बस बाइक की राइड वहीं तक विजिबिलिटी है, बाकी चारों तरफ देख सकते हो आप, रात को जा रहे हो तो गाड़ी सर्विसिंग करा के जरूर जाना, ठीक है भाई, बिल्कुल सारी चीज़ें। और ट्यूबलेस टायर जरूर लेना, ठीक है, ट्यूबलेस के साथ साथ आपके पास किट होनी चाहिए पंचर किट की, क्योंकि तो अगर ये सिचुएशन किसी के साथ भी आ सकती है, इवन आई एम ऑफ, ठीक है, मेरे साथ भी ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि मैं रात को अभी फंस जाऊँ, मैं क्या करूँगा मुझे नहीं पता, ठीक है। मैं आपको बता रहा
से कम ये ट्यूबलेस टायर की किट के साथ पंचर लगाने जरूर आना चाहिए, क्योंकि इस समय रात को आपको कोई पंचर वाला तो मिलेगा नहीं, ठीक है। अगर हमारे साथ भी कुछ ऐसा हो जाए हमारा क्या होगा हमें नहीं पता, ठीक है। इसलिए ज़रा रास्ता प्लेन होता तो शायद मैं आपको ना बताता ये चीज़ें, लेकिन आप खुद देख सकते हो इतने बड़े बड़े पत्थर, ऊपर से चढ़ाई बहुत है, ऐसा नहीं है रास्ता प्लेन है, और चढ़ाई की ढलान ढलान, क्योंकि जब हम गए थे तो बहुत हाइट पे थी इसलिए चढ़ाई, उस समय मैं खैर ब्लॉग नहीं बना पाया क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था, क्योंकि मेरी स्पीड भी आप देखोगे तो ज़्यादा ज़्यादा आपको 10 या 12 की स्पीड मिलेगी, इससे ज़्यादा स्पीड यहाँ चल भी नहीं सकती रात को 11 बजे, बहुत मुश्किल है 11 बजे चलाना, अगर आप सोचोगे आप 30 की स्पीड से बहुत मुश्किल है। नीचे हमारे भाई लोग आ गए, चलिए पीछे से शायद एक लाइट आ रही है जो हमें कवर करती हुई जा रही है, मैं उनके साथ नहीं हूँ पर कहीं आप समझो मेरी हेल्प कर रहे हैं, वो मेरी कोई हेल्प नहीं कर रही है, वो भी अनजान है यहाँ के, वो सोच रहे हैं मैं यहाँ के रास्ते जानता हूँ इसलिए इनको गाइड करूँगा, वो इसलिए मेरे साथ चल रहे हैं पीछे पीछे, कह रहे थे आप हमें अपनी लाइट दिखा देना हम आपकी लाइट के साथ साथ आगे चलेंगे, क्योंकि तो रास्ते आगे बहुत सारी सड़कों में बाइफिकेशन है, बहुत सारी सड़कें जो हैं ब्रांचेस मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा रही हैं, हल्का सा भी अगर पीछे वाली गाड़ी कहीं और चली गई तो पता नहीं वो कौन सी गाँव में जाएंगे, वो खैर उनके पास तो कार है बोला जैसे आसपास हम भटक गए थे, यस क्योंकि हम भी जब यहाँ पर आए थे, क्योंकि भीमसर महादेव जो मैंने कहा था पौड़ी गढ़वाल के अंदर है, जब हम यहाँ पर आए थे हम भी भटके थे दो बार, ऐसा नहीं है, लेकिन वो दिन का टाइम था, रोड तो यही थी टफ, कोई बात नहीं रोड की बात नहीं, लेकिन उसके साथ साथ टफ के साथ साथ आपको मिलेगी ये अंधेरे वाली 11 बजे, क्योंकि हम लेट हो गए यहाँ से, और एक घोस्टिंग वाली बाइक वाइब, इसीलिए अब सिर्फ हमें जो खतरा पड़ सकता है वो पड़ेगा दो चीज़ों का, एक भालू का दूसरा लेपर्ड का, हाँ क्योंकि मैं ये कहूँगा यहाँ पर आपको टाइगर तो नहीं मिलेगा क्योंकि ये बेल्ट लेपर्ड की है, लेपर्ड बेल्ट है ये, लेपर्ड बेल्ट है तो आपको लेपर्ड मिल सकता है, देख के रहो भाइयों आप, ठीक है बने रहिए इसी तरह हमारे इस ब्लॉग में हमारे ब्लॉग को देखते रहिए सब्सक्राइब करिए, और ओ तेरी ये देखो आप देखो कितना कीचड़ था यहाँ पर, ठीक है ब्लॉग को देखते रहिए सब्सक्राइब करिए, टाटा वाले फ्रेंड्स मिलते हैं, ठीक है बाद में मिलेंगे आपको, ओके फ्रेंड्स।